नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन पर आपका बहुत स्वागत है। माँ हीराबेन की सेहत अचानक खराब होने की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनका हाल जानने अहमदाबाद के अस्पताल पहुंचे हैं। और इस बीच ट्विटर पर पीएम मोदी की माँ की सलामती की दुआ करते संदेशों का अंबार लग गया है। हर कोई माँ की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। खास बात यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसे लेकर एक दिल छू लेने वाला ट्वीट किया है। राहुल ने ट्विटर पर लिखा, एक माँ और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी माता जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। राहुल गांधी का ये ट्वीट काफी पसंद किया जा रहा है। इसे अब तक हजारों लाइक और रीट्वीट मिल चुके हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी रिएक्शंस भी हैं। लोग कह रहे हैं कि राजनीति अपनी जगह पर निजी रिश्तों को लेकर नेताओं का रवैया ऐसा ही रहना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी भी अपनी माँ सोनिया के बेहद करीब हैं और अक्सर उनका ख्याल रखते नजर आते हैं। बुधवार को ही माँ सोनिया के साथ राहुल गांधी का एक क्यूट सा वीडियो भी सामने आया। कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में राहुल गांधी अपनी माँ के गाल छूते हुए क्यूट सी शरारत करते नजर आए थे। बहरहाल आपको बता दें कि ट्विटर पर इस समय #हीराबेनमोदी और #PMModiMother टॉप ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर बहुत सारे यूजर्स हीराबेन की सलामती की दुआएं कर रहे हैं। हीराबेन को अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि हीराबेन इसी साल जून में 99 साल की हुई हैं। तब पीएम मोदी ने एक लंबा चौड़ा ब्लॉग लिखकर माँ से अपने रिश्ते के बारे में विस्तार से बताया था। मोदी अपने हर जन्मदिन पर माँ से मिलने जरूर आते हैं। इसके अलावा भी उन्हें जब मौका मिलता है वो घर पहुँच जाते हैं।